अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पूरी दुनिया में इस टाइम कोरोना कोरोना चल रहा है और कोरोना को लेके हमारे मुल्क में है ना एक अजीबोगरीब किस्म का इरंडी रोना चल रहा है। और मजे की बात ये है कि ये सारा जो तमाशा मचा हुआ है इसमें ज़्यादातर कहानियाँ जहालत पर और लाइल्मी की बुनियाद पर मबनी है। या आप ये कर लें कि बड़ी कॉमिक किस्म की कॉमेडी किस्म की कहानियाँ मिल रही हैं आपको, आपको यकीन नहीं आता कि कोई बंदा ऐसे भी जो है वो सोच सकता है या इतनी दूर की साजिश भी ला सकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ एक्टिव हुई हुई हैं, यूट्यूब के चैनल्स एक्टिव हुए हुए हैं, कोई इलाज बता रहा है, कोई साजिश की जड़ वहाँ से खोद के ला रहा है कि समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी हवाले से मैंने आपसे आज बात करनी थी। अच्छा, इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा दो मशहूर बातें हैं वो दो किताबें बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हुई हैं। एक डीन कूंट्स की किताब है द आइज़ ऑफ डार्कनेस और दूसरी सिल्विया ब्राउन की किताब है एंड ऑफ डेज। उस हवाले से कुछ इन्होंने एक्सर्प्ट्स लिए हुए हैं, कुछ इकतबास उससे लिए हुए हैं और उसको ले कर एक बड़ी मज़े की और ख़ूबसूरत सी साजिशी थेरी घड़ी हुई है। सबसे पहले देखते हैं डीन कूंट्स की किताब का, उसमें उसने वुहान 400 नामी वायरस का तज़किरा किया हुआ है और उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये वही वायरस है जो उसने अपनी किताब में लिख दिया था जो अभी चीन के शहर वुहान से निकला। वैसे की बात है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है क्योंकि 1981 में जो किताब ये शाया हुई थी उसमें वुहान 400 नहीं गोरकी 400 का तज़करा किया गया था। वो रशिया में इस नाम से काफ़ी जगह हैं गोरकी के नाम से। और जो फिर 1999 में इसका एडिशन आया था उसमें फिर ये वुहान 400 का तज़करा किया गया था। इसके अलावा जिस बीमारी का तज़करा उस नावल में है उसका मॉर्टेलिटी रेट 100% है, जबकि COVID-19 जो अभी नया ये कोरोना वायरस है इसका मॉर्टेलिटी रेट 2-4% डिपेंड करता है कि किस ममालिक में इनकी क्या शरह चल रही है। डीन कूंट्स की किताब के बाद अगला नंबर आता है सिल्विया ब्राउन की किताब एंड ऑफ डेज का। उसमें उसने कहा है कि एक नमूनिया लाइक डिजीज़ है जो इन अराउंड 2020 फैल जाएगी और उसका कोई इलाज नहीं होगा। इसमें अब इन अराउंड जो वर्ड है ये बड़े वेग सी बड़ी सब्जेक्टिव सी टर्म है। अब इसमें से आप क्या मतलब निकालेंगे इसका, मतलब 2020 की बात हो रही है, 2020 से पहले की बात हो रही है तो पहले कितने की बात हो रही है, ये उसके बाद कितनी, मतलब 2020 के बाद कितनी बात हो रही है। और नमोनिया लाइक डिजीज़ जो है ये तो वैसे भी काफ़ी और भी काफ़ी डिजीजेज हैं, रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो हैं वो दुनिया में पहले भी हैं और आगे भी मतलब चल रही हैं। इवन कि ये COVID-19 भी अ सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें आप ये भी देखें कि ये किताब आई है 2008 में और 2008 से पहले सार्स नामी वायरस जो है वो दुनिया में आ चुका था और वो रेस्पिरेटरी इलनेस पहले से ही थी। तो उसमें आके ये कह देना कि हाँ भाई आगे से ये होगा, यार ये एक फजूल सा अंदाज़ा है, इसकी बुनियाद पे एक साजिश खड़ी कर देना वो मेरी समझ में तो नहीं आता। अलबत्ता आप में से कोई है साजिशी थ्योरियों का शौकीन तो बेशक करे, वरना इसमें कोई इतनी क्रेडिबल बात नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या सोचते हैं इस हवाले से। अच्छा, इनमें ना एक और बड़ी मज़े के लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि एक पैसेज उठाया है कूंट्स की किताब का, एक पैसेज उठाया है सिल्विया ब्राउन के, और उन दोनों को मिक्स करके आपके सामने प्यारी सी साजिश रख दी। और वही बात है कि जो कुछ करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं और तो इसमें कोई बात नहीं है। तो बात ऐसे ही है ना कि आप देखो, आप अपना कैलिबर देखो कि आप कहाँ से चीज़ें जो हैं वो ले के आ रहे हो, किन मुसन्निफों की बात सुन रहे हो, इन लोगों की हिस्ट्रीज आप निकाल, खसूसन सिल्विया ब्राउन की मैं आपको मशवरा दूँगा, ज़रूर हिस्ट्री निकाल के पढ़िएगा ताकि इल्म हो सके आपको भी कि वो कैसी औरत थी और उसका क्या हिसाब किताब था। ये हुआ। इसके अलावा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई हैं। इसी हवाले से एक कॉलम मेरे साथ भी शेयर किया गया था, मैं भी आपके सामने वो कॉलम आपसे शेयर करता हूँ। पूरा कॉलम तो नहीं खैर मैं पढ़ पाऊँगा, लेकिन कुछ उसके पॉइंट्स जो हैं वो आपसे ज़रूर डिस्कस कर लिए जाएंगे। अभी देखते हैं भाई कहाँ गया। हाँ, ये है जी कॉलम है, और अमरीका जंग जीत गया, रूस दुनिया का सर्द तरीन मुल्क मगर वहाँ कोरोना वायरस नहीं, तुर्की भी सर्द मुल्क है और ईरान का पड़ोसी मगर वहाँ कोरोना नहीं, अफगानिस्तान ईरान का पड़ोसी मगर वहाँ कोरोना नहीं, दुबई ईरान का करीबी मुल्क वहाँ कोरोना नहीं, अरब के दीगर ममालिक में कोरोना वायरस से किसी के मरने की खबर नहीं। ये जी कॉलम स्टार्ट होता है और आप इसकी इंफॉर्मेशन देख लें कि इन तमाम ममालिक में कोरोना वायरस का कोई केस सिरे से है ही नहीं। अभी देखते हैं इसमें जी कितनी हकीकत है। हाँ भाई,
कोरोना वायरस के तुर्की में 947 केसेस आ चुके हैं, अफगानिस्तान में 34 केसेस आ चुके हैं, रूस में 306 केसेस आ चुके हैं और एक डेथ हो चुकी है। इसके अलावा भाई यहाँ ये देखो कि दुबई जो है ना वो एक मुल्क नहीं है, ये बेसिकली 7 रियासतें हैं जो कि कंबाइन हो के यूनाइटेड अरब इमारात नामी एक मुल्क बनाती हैं। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज पे आप काम कर लें, आप इतना बड़ा कॉलम लिखा है तो थोड़ा सा इस हवाले से देख लें। अब आप दुबई छोड़ें, पूरे यूएई में जी कितनी 153 केसेस आ चुके हैं, और मिडल ईस्ट में और अरब के दूसरे ममालिक में भी कोरोना वायरस के ना सिर्फ काफ़ी केसेस आ चुके हैं बल्कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेथ्स भी हो चुकी हैं। इसलिए इसकी ये बात इस राइटर की जो स्टार्ट है आपका कॉलम का, ये तो वैसे ही फ्लॉप हो गया। उसके बाद का जो कॉलम है वो भी ना बड़ा मज़े का है। उसकी तमाम की जो खुलासा है, समरी है, वो ये है कि पूरी दुनिया चीन को जो है वो नीचा दिखाना चाहती है, उसे गिराना चाहती है, और जिन ममालिक को कहा जा रहा है कि वो इस साजिश में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं उसमें अमेरिका और बरतानिया शामिल हैं। ये भी इस कॉलम के मुताबिक है, लेकिन जब आप फैक्ट एंड फिगर्स देखते हैं तो आपको दूसरी कहानी मिलती है। आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि चाइना अमेरिका का टॉप के ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है, टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है, और यही केस है बरतानिया के साथ ही। बरतानिया के भी टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक पार्टनर चाइना है। अब मुझे नहीं समझ में आती कि मेरा मुल्क या कोई भी मुल्क जो किसी दूसरे के साथ ट्रेड कर रहा है और वो इतना हाई पोजीशन पे है, जिनके दरमियान बाइलेटरल ट्रेड इतना ज़्यादा है, उसको क्यों तबाह किया जाएगा। लेकिन अब ये बात इन साजिशी थ्योरियों का जो राइटर्स हैं उन्हें ये बंदा कौन बात समझाए, है तो ये कॉमन सेंस की। अगर आप में से किसी को ये बात समझ में आती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर समझाइएगा। ये ट्रेडिंग पार्टनर के अलावा आप देखें, कोरोना वायरस इस टाइम पूरी दुनिया में फैल चुका है। अगर इनकी इस बात को मान लिया जाए कि चाइना को तबाह करना था, तो सारा वायरस सिर्फ चाइना को तबाह करता ना, पूरी दुनिया में तो नहीं फैलना चाहिए था। अब दुनिया के तकरीबन 180 से ज़ायद ममालिक में कोरोना वायरस फैल चुका है, और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक हैं, आई थिंक 204 और 205 इतने ही ममालिक हैं, उनमें से भी तकरीबन 180 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका है कोरोना। तो ये यार चंगी चाइना की इन्होंने तबाही मचानी थी कि चाइना को तबाह करते करते पूरी दुनिया तबाह कर दी इन्होंने। ऐसे बेवकूफ़ हैं अमरीका वाले भी और बरतानिया वाले भी और वो तमाम दूसरी कुवतें जो हैं अपनी भी वाट लगवाई है और चाइना की भी लगवाई है, और पूरी दुनिया की इसलिए लगवाई है कि चाइना तबाह हो जाए। है यार कोई हमाकत, हमाकत की इंतहा है, हमाकत नहीं है, जहालत है, और बड़ी मुजरमाना किस्म की जहालत है। मतलब आप कुछ भी लिखेंगे यार, कुछ भी। अब मसला उन लोगों का है जो कि ना सिर्फ इनको पढ़ते हैं बल्कि इन पे यकीन कर लेते हैं। मेरी तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि ना यकीन किया कीजिए, आप खुद रिसर्च कर लें, आपके सामने तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये तो मतलब मैं कुछ चीज़ें देख रहा था, इसके अलावा मैं एक वीडियो देख रहा, उसमें एक साहब ने बड़ी पुरसरार किस्म की आवाज़ में कोरोना वायरस के हवाले से एक बहुत बड़ी साजिश का इनकशाफ किया। साजिश क्या है जी, उनके मुताबिक पेपराइट एक इंस्टीट्यूशन है यूके का, उन्होंने जी कोरोना वायरस को अपने नाम पेटेंट करवाया था, और इस इंस्टीट्यूशन को चूंकि बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उन्होंने इमदाद दी है, डोनेशन वगैरह दी है, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। और इन्हें पता था कि कोरोना वायरस पहले से है और इन्होंने दुनिया को नहीं बताया, और ये बहुत बड़े मुजरिम है। ये उस सारी साजिश का खुलासा है। पेब्रेट इंस्टीट्यूशन वो वायरल डिजीज़ पे काम करता है और बड़े अरसे से वो काम कर रहे हैं, और इसमें कोई झूठ नहीं है कि उन्होंने कोरोना वायरस को पेटेंट करवाया है अपने नाम। लेकिन यहाँ देखना ये कि जो उन्होंने पेटेंट करवाया है अपने नाम पे, उसका मकसद जानवरों की बीमारियों का इलाज करना था। और आप पेटेंट भाई करवाते ही ताबो, रजिस्टर करवाते ही ताबो कि उसके रॉयल्टी वगैरह के हकूक़ आपके पास होते हैं और वो डिस्कवरी जो है वो आपके पास होती है। और यहाँ ये देखें कि जो कोरोना वायरस उन्होंने अपने नाम पेटेंट करवाया है वो कोविड-19 से डिफरेंट है, वो अलग है, ये अलग है। लेकिन कोरोना वायरस का चूंकि नाम आ गया था तो साहब ने उठा के डाल दी, अपनी कहानी फिट कर दी और बिल गेट्स को भी मुफ्त में ही तून दिया। और मुझे आप एक बात बताओ कि अगर किसी ने एक वायरस अपने नाम रजिस्टर करवाया है और उसने आगे फैलाना है पूरी दुनिया में, तो सवाल ये है वो अपने नाम पर रजिस्टर ही क्यों करवाएगा, ताकि बाद में पूरी दुनिया से वो मतलब लितर खाता रहे। इतना बेवकूफ़ यार आप तो हो सकते हैं, बाकी दुनिया में इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता। ऐसे काम नहीं चलता यार, ऐसे ना पकड़ के तून दिया करो किसी को भी साजिश में। डीन कूंट्स, सिल्विया ब्राउन,
फिर ये अमेरिका जंग जीत गया, फिर अमेरिका रिस्पॉन्सिबल हो गया, बिल गेट्स रिस्पॉन्सिबल हो गया, ये कहानियाँ सुनते जाओ इनकी। ऐसा मतलब पढ़ता हूँ इन्हें और बड़ा इंजॉय करता हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे अफसोस भी होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी ज़्यादा जहालत आपको नहीं फैलानी चाहिए। आप इसके जगह अच्छा पैगाम दे सकते हैं, इल्म हासिल करने का पैगाम दे सकते हैं, लोगों को पढ़ने का कह सकते हैं, बजाय इसके कि आप उल्टी सीधी और वो भी फ्लॉड किस्म की साजिश या थ्योरियाँ जो आपने किसी को बतानी है, उसके बजाय आप को अच्छा काम कर सकते हैं, मुसलमानों को साइंस की तरफ ले जाएं, उनको पढ़ने की तरफ लगाएं। आपको इतनी दुनिया सुनती है, अब ये कर लें। लेकिन नहीं, आपने भी वही अजीबोगरीब फजूल और चवल किस्म की साजिशें ही तैयार करनी है। हेलो जी, क्या कहा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आप वेबसाइट पर जाओ, मैं तकरीबन रोज़ाना ही जाता हूँ, और मैं इसके हवाले से कि यार शायद कोई वैक्सीन तैयार हो गई हो, अपडेट लेने के लिए आप चले जाते हैं, वहाँ आपको कहते हैं कि कोई वैक्सीन नहीं है, जबकि पाकिस्तान में कुछ लोगों की बातें सुने तो कोरोना वायरस के तो भाई बड़े बेहतरीन किस्म के इलाज निकल आए हैं, मतलब कोई शख्स जो है वो छू छू करके जो है वो मतलब माइक हाथ में पकड़ के वो ऑनलाइन ही जो है वो अपना उसने एक सिलसिला चलाया हुआ है कि हाँ भाई कोरोना वायरस के बाद सारी बीमारियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा ये अभी आप एक और वीडियो देखें जरा, फिर बात करते हैं। इसका जो पोटा है, पोटा पोटा जिसके अंदर ये दाने खाता है, ये इसको पोटा, पोटे को, पोटे के अंदर से वो जो उसकी पिठी हिंदी होती है, वो जो गुदा वगैरह होती है वो बाहर निकाले, उसके अंदर एक झिल्ली सी होती है, छोटी ब्रीक सी झिल्ली होती है, वो तीन कबूतरों की झिल्ली निकाल के, कोटे की झिल्ली निकाल के किसी चीज में डालकर उसको पकाए, वैसे भी इसमें लगते है उसका पानी पिया जाए, कोई कोरोना वायरस वगैरह नहीं, सब कोरोना वायरस खत्म। तो जी ये कबूतर का पोठा है जिससे कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। अगर आप में से किसी की समझ में ये टेक्निक आया ना, तो आपने मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि इस तरीके से भी इलाज हो सकता है। इसके अलावा यार ये देखो, मेरा तो हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि ऐसे तमाम अफराद को ना आप चाइना भेज दें, इटली भेज दें, डीजी खान भेज दें, या कहीं भी जहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, ये जहाँ बहुत ज़्यादा बीमारी है कोरोना वायरस, वहाँ भेज दें आप। इसके ना यार हमें दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये वहाँ जा के कोरोना वायरस का इलाज इन्होंने चूँकि डिस्कवर कर लिया, ये वहाँ करेंगे, सारी दुनिया से एहतियाब हो जाएगी, और ये हमारे लिए ना एक वर्ल्ड डिस्कवरी बन जाएगी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बन जाएगा कि वाह भाई इन्होंने तो कोरोना वायरस का इलाज निकाल लिया। दूसरी सूरत में अगर ये नाकाम हो जाते हैं तो हमारी इनसे वैसे ही जान छूट जाएगी, कहानी होगी। मैं फिर यही डिमांड करूँगा कि इन्हें वहाँ भेज दिया जाए, ताकि हम इनसे क्यों फ़ायदा उठाएं, पूरी दुनिया को फ़ायदा उठाना चाहिए, नहीं क्या कहते हैं आप। कहानी शुरू हुई थी आलमी साजिशों से और कबूतर के पोठे पर आकर ख़त्म हो गई है। ये तो कैलेबर है, ये हमारा एक मजमूई हिसाब किताब है, आप कमाल है यार, आप कुछ भी बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं। और इनसे इतना गिला नहीं होता, उन लोगों से बड़ा गिला होता जो इनकी बातों में फिर सर ढूंढते हैं और कहते हैं नहीं 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 जनाब ने बड़ी कमाल बात की है। मैं अभी तक कम से कम कोई 15-20 किस्म के कोरोना वायरस के इलाज पाकिस्तान में देख चुका हूँ, तो वो वाले दिन रात यही चीख रहे हैं कि कोई इलाज नहीं है। बाकी पाकिस्तान में दुनिया ने काफ़ी इलाज निकाल लिए हैं, प्याज से, जैतून से और कबूतर के कोठे से सही है यार, मतलब लगे रहो, क्या कहा जा सकता है भाई। कि मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे साजिशी अनासिर से और जो तमाम अफराद जो दावा करते हुए नज़र आते हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ़त कर लिया, उनकी बातों पर यकीन ना करें। सबसे ज़्यादा जो क्रेडिबल अभी तक ये सबसे ज़्यादा काबिल अमल हल जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, जितनी आप मिनिमम मेल जोल रखेंगे, कम से कम मेल जोल रखेंगे, घरों पर रहें, इन्जॉय करें, ये अभी तक सबसे ज़्यादा क्रेडिबल हल है इसका। इसी चीज़ पर अमल करें और किसी भी किस्म के साजिशी अनासर की बात पे आप कान ना धरें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जहालत के इस दरिया के आगे एक छोटा ही सही लेकिन बंद ज़रूर बांधा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।